आज बुंदेली फिल्म शोले का ऑडिशन बुंदेला फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले स्थान तुलसी स्वरूप के बगल में बामदेव ऑफिस में बड़ी धूमधाम से संपन्न किया गया। बुंदेला प्रोडक्शन के बैनर तले पहली फिल्म आई प्रेम की रात फिल्म बन चुकी है, जिनके गाने यूट्यूब में वायरल हो चुके हैं, जिसकी फिल्म दिनांक 26 जनवरी 2020 को पूरे भारत में रिलीज हो जाएगी। जो दूसरी फिल्म बुंदेली शोले का ऑडिशन हुआ, जिसमें करीब 75 लड़के लड़कियां ने प्रतिभाग लिया, जिनमें से 25 से 30 लड़के लड़कियों को चयन हुआ। अन्य जिन लोगों का चयन नहीं हुआ, वो फिल्म में ना रहकर भी सहायक भूमिका में रहेंगे। आज ऑडिशन में बुंदेला फिल्म प्रोडक्शन के एक्टर डॉक्टर रेक्टर अशोक बुंदेला एवं बॉलीवुड के स्टार श्री शिव नारायण यादव, जिन्होंने राजपाल यादव के साथ बनी फिल्म मिलेगा का मुआवजा में काम किया और अन्य फिल्मों में भी काम किया, जो अशोक बुंदेला के साथ शोले फिल्म में विलन की भूमिका में नजर आएंगे। और इनका यह कहना है कि हम इस क्षेत्र की भाषा संस्कृत को विश्व स्तर पर पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ के कलाकारों को एक अच्छा रोजगार दे सके और आगे बढ़ सके। इस ऑडिशन में सहयोग में दीपक भारती का अतुल्य सहयोग रहा, साथ ही पुष्पेंद्र कुमार आर सी योगा जी का बुंदेलखंड की भाषा पर ऑडिशन लेने के तौर तरीके का अच्छा योगदान रहा। साथ में रामस्वरूप शिव नारायण यादव जी के राजकिशोर यादव कैमरामैन शिवम जनारायण श्रीवास शैलेंद्र गुप्ता जी का बहुत ही सहयोग, अन्य सभी लोगों का एवं बांदा के मीडिया प्रभारी पत्रकार को धन्यवाद दिया। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऑडिशन में आपके यहाँ जो क्षेत्रवासी हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर आप लोग ने किया है? अभी चूंकि ऑडिशन चल रहा है और चूंकि अभी से कह पाना संभव नहीं है, इसलिए क्योंकि हम ये जो हमारा जो कैमरा चल रहा है, इसमें हम थोड़ा सा बारीकियाँ और देखेंगे। ऑडिशन में लमसम आपको पता तो होगा कितने स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित? यहाँ पर स्टूडेंट जो आज उपस्थित हुए वो कम से कम 70 से 80 लड़के यहाँ पर, तो मतलब 70 में से कम से कम 20-30 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं ज्यादा, ऐसा है ज्यादा होगा सिलेक्शन, ज्यादा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि हम करीब करीब सबको मौका देंगे कि कोई नेक्स्ट में भी हम लोग एक 5 जनवरी को भी रखा है, जो लोग छूट गए हैं क्योंकि लोगों ने फोन किया, कुछ लोग इंडियन आइडल में भी यहाँ पर हुआ है। तो आप इस बुंदेली क्षेत्र में यहाँ के कलाकारों को, उनको क्या राय देना चाहेंगे आप? मेरी राय ये है कि मेरे क्षेत्र में जो गायन की विधा पर, डांस की विधा पर, कॉमेडियन के विधा पर, बहुत सारे जो भी विधाएं हैं इस क्षेत्र में, वो आगे आए और उनके लिए अगर वो बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस करते हैं तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये बॉलीवुड के स्तर तक जाएगा और इस क्षेत्र की भाषा को जाना जाएगा। और यहाँ एक ही हीरो से काम नहीं चलेगा, जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, वो जैसे मान लीजिए विलेन है तो विलेन का अच्छा रोल करेगा तो विलेन उसे बनाया जाएगा, हीरो का है तो वो हीरो का रोल करेगा, लड़की बहुत अच्छा करती है वो हीरोइन बनेगी, मतलब सारे कैरेक्टर्स जो भी जैसे लायक होंगे उस में मुख्य विलेन का रोल निभाने के लिए मौका दिया है। इनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ और आप सभी मीडिया वालों का बहुत बड़ा आभारी हूँ जो आपने मुझे इस मंच तक लाए। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो शोले फिल्म बन रही है तो इसका प्रोफेंस बनने करने के बाद कितने दिन में कंप्लीट ये शोले फिल्म हो रही है? ये हम लोग सब लोग मिलकर ये सोच रहे हैं कि इसकी फरवरी में शूटिंग किया जाए। अच्छा। और इसको करीब 2 महीने की शूटिंग का प्लान पूरा लेके चल रहे हैं और इसको 6 महीने के अंदर इसको हम पर्दे में उतारने की कोशिश करेंगे। बाकी भविष्य में क्या होता है इसको तो हम नहीं बता सकते हैं।